कहीं ना कहीं देखा गया है कि प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का कोर्स करने के बाद भी पेशेंट के हाथ पैर में दर्द रहते हैं, काफ मसल में पेन रहता है, बॉडी में हल्का दर्द रहता है, सर में हल्का दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, चक्कर रहता है, इस तरह का सुस्तीपन लगता है। ये क्यों होता है दोस्तों? उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी हमारा ट्रीटमेंट चालू था वो ठीक नहीं हुआ हो, तो इसी को अपनी तसल्ली के लिए पूरा करने के लिए वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। और ब्लड टेस्ट में आता क्या है, सब कुछ नॉर्मल है। जो टाइफाइड का ट्रीटमेंट था टाइफाइड कराने के बाद वो नॉर्मल आया है, वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल आए हैं, प्लेटलेट नॉर्मल आया है, तो ये सब चीज़ क्या है दोस्तों? जब हमें हाई ग्रेड फीवर होता है और वो ठीक होने के बाद हमारी बॉडी रिकवरी मोड पे होती है, रिकवर करती रहती है। रिकवर करने के लिए दोस्तों हमारे बॉडी को डाइट की ज़रूरत होती है और वो कंप्लीट नहीं करते पेशेंट, और उन्हें हमेशा हाथ पैरों में दर्द रहता है, सुस्तीपन लगता है, उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत अभी भी चल रही है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप अपनी डाइट में सुधार करें और थोड़ा खान पीन अच्छा रखें दोस्तों। अगर वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।